हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी में जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर परमानेंट ऑन रोल या कंपनी में ऑन रोल जो बंदे होते हैं, परमानेंट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम करते हैं, इन सब में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग में आप होते हैं तो इनका क्या वैल्यू है, क्या डिफरेंट है इन सब में, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखते हैं इन सब में आप समझ पाओगे कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में। देखिए, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट चलता ही है, चाहे प्राइवेट हो चाहे एमएनसी कंपनी हो। वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जिसमें आप लाइफ टाइम काम करते रहो, सेम सैलरी रहती है। सैलरी में थोड़ा बहुत जब सरकार बढ़ाती है तभी आपकी सैलरी बढ़ती है, बाकी प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट के अकॉर्डिंग्स आपका हर साल में सैलरी बढ़ना चाहिए, वैसे सैलरी नहीं बढ़ता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट मजदूरी बढ़ाती है, कुछ ऐसा बढ़ा कुछ बढ़ाता है किसी पर्टिकुलर निस के लिए, तो आपकी भी सैलरी बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट बेस में होते हो तब ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए रखते हैं, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो आपको उतने समय बाद निकाल देते हैं। ऑन रोल में दोस्त ये होता ये है कि कंपनी आपको निकाल सकती है, लेकिन दोस्त जब आप परमानेंट होते हो किसी कंपनी में तो दोस्त कोई भी कंपनी आपको ऐसे ही नहीं निकाल देगी। आप देख लो, आप परमानेंट एम्प्लॉय जो है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह ही दोस्त यहाँ पर ट्रीट किया जाता है उनको। उनको उतनी ही सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है जो परमानेंट एम्प्लॉय, उनको रहने की सुविधा मिलती है, उनको कंपनी की तरफ से उनके फैमिली के मेडिकल मिलता है, उनको कुछ भी दिक्कत हो जाए उनको सारे सपोर्ट मिलते हैं। तो दोस्त यहाँ पर उनका इंश्योरेंस भी होता है, बीमा भी होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से वो सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं जब वो परमानेंट हो जाते हैं। अगर कंपनी आपको निकालती है, परमानेंट यदि आप होते हैं तो कंपनी यदि आपको निकालती है दोस्त, आपका जितना भर लास्ट तक का यानी कि रिटायरमेंट तक का जितना भी पेमेंट होता है वो सब कंपनी को पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको निकाल सकता है। लेकिन स्टाफ में ऐसा नहीं है, यदि आप स्टाफ में होते हैं तो कंपनी के एम्प्लॉय तो हैं आप, लेकिन कंपनी आपको कभी भी निकाल सकता है। आप कमा लो जितना दिन कमाना हो और कर लो काम जितना दिन करना हो, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप एकदम से यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए सेटल हो गए हो, ठीक है। लेकिन परमानेंट में जैसे कि आईसर हो गया, फोर्स, टाटा मोटर जैसी कंपनी, नवरत्न, महारत्न जैसी कंपनी, जहाँ पर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ सेटल ही हो जाती है एक तौर से। लेकिन ऑन रोल भी ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि कंपनी ऐसे ही बिना मतलब पर निकाल देता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं, प्रोडक्शन डाउन होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है, उसे काम बंद हो जाता है, कोई भी ना कोई रीजन हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी आपको निकालता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया कि किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कैसे निकाल देते हैं। और दोस्त, अगर हम एक बात करें, एक कॉन्ट्रैक्ट आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में आप साइन करके काम करते हो, यानी कि हम 1 साल 2 साल के लिए आपके यहाँ काम करेंगे, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, तो उसमें आप यदि काम करते हो तो दोस्त वहाँ पर क्या होता है कि आप पर्टिकुलर आपको एक समय के लिए साइन कराया जाता है कि 1 साल 2 साल के लिए, और फिर वहाँ पर आप काम करते हो उतने समय के लिए, और फिर उसके बाद जो है आप वहाँ पर छोड़ सकते हो कंपनी को, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब तक साइन के जितने साल के लिए उतने साल के लिए आपको रहना पड़ेगा। अब बात करें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तो ये तो फ्रेशर बंदों के लिए, जो बंदे फ्रेशर होते हैं तो उनको कंपनी ट्रेनिंग देती है, उसका नाम अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग रख दिया जाता है। जैसे दोस्त आप जैसे आईटीआई की हो तो अप्रेंटिसशिप में रहोगे, और अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट बंदों के लिए भी होता है, लेकिन जो डिग्री टेक्निकल बेस में करके रखते हैं जैसे कि बीटेक, तो उनको ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में रखा जाता है, लेकिन जो डिप्लोमा होता है उन्हें डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में रखा जाता है। लेकिन जो नॉन ग्रेजुएट होते हैं वो भी अप्रेंटिसशिप की कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आ जाते हैं, आईटीआई हो आप तो अप्रेंटिसशिप के कैटेगरी में रहते हैं। तो बस यही फ़र्क था तीनों में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इनमें क्या फ़र्क होता है, कैसे आप इन्हें समझ सकते हैं। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, इसी तरह से अपडेट पाने के लिए, इंडस्ट्रियल अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।